गाइस, सो मैं जा रहा हूँ वोट डालने और अभी वहां मिलते हैं जहाँ पे वैल्यू है। सो गाइस, हमने दे दिया है वोट और जितना सोचा था कि वहां जाके वीडियो बनाऊंगा तो यार वो अलाउड नहीं था, पुलिस वालों ने सीधे मना कर दिया भाई। गाइस आई एम बैक, कैसे आप सब लोग? आई होप सारे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो भाई अभी हो रहा है लंच टाइम हमारा, सुबह से तो ब्लॉग कर नहीं रहा था, अभी आया हूँ बस, जस्ट फोन उठाया और अभी चल रहे भाई पराठे। हमारे घर में बने भाई मेथी के पराठे और यहाँ बन रहे किचन में बथुआ के। सॉरी गाइस, थोड़ा सा करेक्शन करते, बथुए के बन रहे हैं और बथुए के पराठे बन रहे हैं। और ये देखो चटनी चेक करो, चटनी, ये चटनी भाई क्या बताओ, हमारे घर में इतनी बनानी पड़ती है जितने किसी के यहाँ जूस बनता होगा, और ये भी शाम तक खत्म हो जाएगी, कम खाने वाले हमारे यहाँ पे। तो अभी मैंने बस 8 ही पराठे खाए और 2 यहाँ पे प्लेट में रखे हुए हैं। तो भाई पता ही नहीं चल रहा यार पराठे इतनी जल्दी, गेमर बैठे हुए हैं थोड़ा, तो पता ही नहीं चल रहा यार पराठे खाए जा रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा, पेट में जा भी रहे नहीं जा रहे, बस 8 ही खाए हैं, मतलब अभी तक क्या बोलूं मैं। अगर कभी फ्यूचर में भाई हमारा कोई रेस्टोरेंट खुला जहाँ पे हम ये पराठे वगैरह बेचेंगे तो आप लोग जरूर आके टेस्ट कर सकते हो मम्मी के हाथ के पराठे, ठीक है गाइस। अभी मैं खा लेता हूँ, बड़े टेस्टी लग रहे हैं और चटनी के साथ है मजा आ गया भाई। मैं तुम्हें एक बार रिव्यू दूं साथ के साथ, ये मजा आ गया भाई। सर्दियों का सीजन और ये पराठे, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है ना, वो मैं ही बता क्योंकि मैं खा रहा हूँ, तुम भी इंजॉय करो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हमारे घर आया एक नन्ना पारा स्कूल से। तूने एक चीज मिस कर दिया आज भाई। क्या पराठे बने थे, मतलब मजा आ गया पराठे खाए। गोभी वाले? गोभी नहीं, मेथी के, पापा था मैं बथुए के, चार बथुए के भाई, चार ना, मैं अभी 8 ही खाया मैंने, बस चार पराठे देते लंच में और सुबह 2 खा के गया था। देख लो सर, 6 पराठे खाए हैं इसने और ये ट्रेनिंग में जाता है। कर रहा हूं भाई, देख लो ये सच पता चल गया इसका, 6 पराठे खाए इसने भी भाई, एक ही खाया था और देखो कैसे झूठ बोल रहा है, अभी साथ के साथ मुकर गया और 3 लेके गया था। अबे मुकरू बंधु, कैसे मुकरू बंदे हैं, ऐसे मुकरू बंदे हैं ऐसे, मजा आ गया भाई, मजा आ जाएगा भाई। आज तो फ्राइडे है, आज तो फाइट है, सही से बिना तू, तेरी ना क्या कमी है पता है, तू मतलब ऐसे सोच सोच के खेलता है, जैसे कि इसका खेलना है ऐसा, एक किक मारी फिर सोचता है ये वाली किक मार दूं, अगर इस पे पॉइंट नहीं आया तो वो मारू, इतने पॉइंट वाली किक मारू, ये वाली मारू, ऐसे खेलता है सोच सोच के, जैसे चेस खेल रहे हो, जबकि गेम है फाइटिंग का, ये नहीं कंटिन्यूस मारते मारते चले जा, तपड़ तपड़ तपड़। देखो आप देख लेना, फाइट कीड़ो बनवा लूंगा किसी ना किसी, देख लूंगा मैं ही, चलू शाम को देखने, चलो चल देखते हैं तेरे को, किसी से भी हो जान लो आज तो, आज तो है किसी से भी डरता नहीं है, सूजन लिया छोड़ गाइस आई एम बैक, आई होप सारे बड़े होगे मस्त होगे, स्वागत है नए ब्लॉग में। और भाई आज है 4 दिसंबर, दिल्ली में आज एमसीडी के वोट होने वाले हैं भाई, और आज जाएंगे हम वोट डालने, तो हम बनाएंगे आज ब्लॉग तगड़ा सा, कहाँ जाएंगे वोट डालने, कैसे जाएंगे, वैसे टांग टूटी हुई है कैसे जाऊंगा मुझे नहीं पता, बस मैं जाऊंगा। देखो मेरे प्लास्टर का क्या हो गया, प्लास्टर खुल खुल के ऐसे बिखरता जा रहा है धीरे धीरे, बस ये आज के लिए और है, कल जाना मुझे, कल मंडे है, कल और जाऊंगा मैं और इसे निकलवाना है, उन्होंने बोलता है 1 वीक बाद आ जाना, तो कल हमारा प्लास्टर निकल जाएगा, टेम्पररी प्लास्टर। क्या चेक करेगा? और हमारे घर में आज बन रहे हैं पालक के पकौड़े, संडे है भाई, मजा आ जाएगा, मतलब संडे का दिन चाय और पालक के पकौड़े बन रहे, तो मतलब क्या ही बात है ना, मजा नहीं आ जाएगा, तुम्हें बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा। सो गाइस हमारे पकोड़े बन चुके हैं, ये है पालक के पकोड़े और ये है हरी चटनी, अब मैं दूंगा तुम्हें अभी रिव्यू। देखो यार सारी चीज बेस्ट बनती है, रिव्यू तो देने का बस बहाना है। मजा आ गया, अब देखना तुम कितने बढ़िया तरीके से वोट दे के आऊंगा मैं, सुबह सुबह इतना बढ़िया नाश्ता होगा, मतलब क्या हो, मजा आ गया, थैंक्स मम्मी थैंक्स। क्या है पकौड़ों का तेल बालों में लगाओगे मेरे?
देखने भी जाना है मेरे को, वहाँ वेट कर रहे हैं वो मेरा केजरीवाल सर एंड दी बीजेपी पार्टी वाले। जल्दी से नाश्ता कर लेता हूँ फिर जाता हूँ यार मैं। देखो मम्मी इससे ज्यादा अब मैं नहीं खाऊंगा, आप अगर मेरे से जिद भी करोगे ना कि मैं और खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा बस इतनी। अरे बस यार और नहीं खाने मेरे को, देख कम कर रहे हो यार, ये सही बात नहीं है, ये चीटिंग होती है। और डालो दो और प्लीज दो और मम्मी, यार उठा और लिया प्लीज ना यार, चीटिंग कर रहे हो आप मेरे साथ। एक और अबे देख यार साइज कम करते जा लड़के पकोड़े लाने पड़ रहे हैं यार। गाइस तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, बिचारी और आ गई इधर। गाइस सो मैं जा रहा हूँ वोट डालने और अभी वहां मिलते हैं जहाँ पे वेन्यू है। ओके गाइस और देखो मैं कैसे चल रहा हूँ, चप्पल दिखा दो, मैं कैसे चप्पल पहन रहा हूँ, देखो उंगलियां दिख रही है आपको चप्पल में से, ऐसे आधी चप्पल पहन के जाना पड़ रहा है ऐसे। कोई नहीं गाइस होता है कभी कभी होता है। हाय बोल दो हाय गाइस। सो गाइस हमने दे दिया है वोट और जितना सोचा था कि वहां जाके वीडियो बनाऊंगा तो यार वो अलाउड नहीं था, पुलिस वालों ने सीधे मना कर दिया भाई फोन जेब में रख ले, और दिख गया ना चलाते हुए तो फोन ले लूंगा मैं, तो भाई हमने फोन जेब में रख लिया क्योंकि आगे भी व्लॉग कंटिन्यू करने हैं समझा करो है ना, इसलिए वहां का कुछ बना के नहीं लाया हम वीडियो। और हम वोट दे के आए हैं, ये देख लो, ये देखो आप अगर वोट दे के नहीं आए हो अभी तक तो आप भी जाके दे के आओ और जिताओ अपनी फेवरेट पार्टी को। हमने तो दे दिया भाई, मैं हिंट दूं किसको दे के आऊंगा वोट, उनकी टोपी है ऑरेंज कलर की और उनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू का और हाथी जाता है उस साइड से, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किसको वोट दे के आऊं, तो आप भी दे के आओ जाओ जल्दी। तो भाई एक वीडियो और लगा दिया एडिटिंग पे, मतलब वो हो रही है क्या बोलते हैं इसे एक्सपोर्टिंग पे लगा दिया एक वीडियो और। तो भाई जब वीडियो एक्सपोर्ट हो रही होती है उस टाइम तो सिस्टम छेड़ना नहीं होता क्योंकि यार फिर ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है और इसकी फट जाती है फिर बंद हो जाती है एक्सपोर्ट होना, तो इसलिए अभी इसे ऐसे छोड़ देते हैं, 15-20 मिनट में हो जाएगी एक्सपोर्ट। उतने हम छत पे होके आते हैं, थोड़ी बहुत धूप खा के आते, संडे का दिन है ठीक है, छत पे होके आते थोड़ी बहुत देर। कभी कभी ना मतलब मूवमेंट में इतना हम प्रेजेंट होते हैं कि उस मूवमेंट को ही बस हम ऐसे जी रहे होते हैं मतलब, तो मैं उस चीज को ऐसे बहुत इंजॉय कर रहा था उस मोमेंट में, मतलब कितना हंसी मजाक चल रहा था हमारे घर में तो मेरा मन किया ही नहीं या फिर याद ही नहीं रहा कि मैं वीडियो ही रिकॉर्ड करूँ इस चीज के लिए, वरना बहुत ही फन चल रहा था, तो भाई बहुत मतलब हंसी मजाक हो रहा था तो बस मैं भूल ही गया उस चीज में रिकॉर्ड करना। एक चीज और बतानी थी गाइस कि मोमेंट के साथ एंजॉय करना सीखो क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा कभी, एक बार ये टाइम चला गया तो चला गया, जो करना है कर लो क्योंकि किसी भी चीज के लिए कोई सही वक्त नहीं होता, वो वक्त बस उस टाइम में आप मैनेज करो और चीजें करो, क्योंकि जो एनर्जी आपके पास अभी है शायद वो बाद में ना हो, शायद आपके पास अभी कम पैसा हो लेकिन वो एनर्जी है कि आप वो मोमेंट्स एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस एक गुड न्यूज क्या मतलब अपडेट ये है कि अपना प्लास्टर हट चुका है, जाके मैं हटवाया था और अभी पैर ठीक है, मतलब इतना ठीक नहीं है कि मैं वापस ट्रेनिंग पे जा पाऊं, बट इतना है कि मैं वॉक कर पा रहा हूं ठीक से, अच्छे से वॉक कर पा रहा हूं, बट ये है कि स्लाइटली अगर ऐसे थोड़ा सा यू कर्व कर रहा हूं, टेढ़ा कर रहा हूं तो दर्द हो रहा है, तो अभी उस मूवमेंट में नहीं है कि मैं ट्रेनिंग कर पाऊं, तो यही है कि अभी बस मैं सोच रहा हूं कि नॉर्मल एक्सरसाइज करने के लिए जाऊं, जिम जा सकता हूं मैं अभी के लिए क्योंकि यार बॉडी जो है वो लूज हो जाएगी और फिर मजा नहीं आया, तो उसके लिए हम जाएंगे जिम के अपडेट देता रहूंगा जैसे जैसे जाएंगे, अभी बताता रहूंगा। और हमारे घर में भाई बना है आमले का मुरब्बा बनाया था मम्मी ने कल, और उसमें एक सीन हो गया कि वो आमले ज्यादा खट्टा हो गया और वो जो चाशनी होती है उसकी वजह से वो मीठा बन नहीं पा रहा है, तो अभी थोड़ा और चीनी डाल के उसे और तड़पाया जा रहा है तड़पाया मतलब उसमें और थोड़ा सा मिठास डाली जा रही है। एक चीज और बतानी थी गाइस कि दो दिन से मैं बस क्या कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा था, और भाई मतलब पहले भी पढ़ी है मैंने, ऐसा नहीं कि पहले नहीं पढ़ी, बट एक सेकंड यार आज रिजल्ट आने वाले हैं वोट के, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की वो चल रही है भिड़ंत, आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे चल रही है 25 वोट से शायद, और 112 पे वो
15 वोट से आगे चल रही आम आदमी पार्टी। हाँ तो मैं क्या बता रहा था आपको कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ी मैंने दोबारा से, रीरीड करी और भाई बहुत मजा आया पढ़ने में भाई, कि यही उससे सीखने को मिला कि बहुत सारी चीजें मैं नहीं जानता था पहले से ही, पहले बस ऐसे ही रीडिंग के पर्पज से पढ़ी थी, बट इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा समझ के पढ़ी है और ये समझ में आया कि हाँ भाई पैसे के बारे में बहुत कुछ है उसमें जानने के लिए। तो मैं आपको मस्त रिकमेंड करूंगा कि आप भी पढ़ लेना, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी आपको उस बुक से, फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, कैसे पैसे को मैनेज करना चाहिए, कैसे पैसा आता है, इन मनी आउट, ये सब सारी चीजें लिखी हुई है उसमें, इन्वेस्टमेंट के बारे में और क्या क्या करना चाहिए, जो चीजें बहुत सारी चीजें हमें स्कूल में नहीं सिखाई गई होती है वो चीजें उसमें लिखी हुई है। तो मैं मस्त रिकमेंड करूंगा कि आप भी पढ़ लेना गाइस, शायद आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो जाएगी उसे पढ़ने के बाद, और ना पढ़ना चाहो तो ऑडियो बुक में भी सुन सकते हो, ऑडियो बुक भी अवेलेबल है बहुत सारे ऐप्स पे। तो बस अभी मैं नाश्ता कर लेता हूँ और बाद में मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है गाइज। लेट मी टेल यू अनदर थिंग कि कल मेरे साथ एक सीन हुआ, पता है क्या, बहुत तगड़ा सा सीन हो गया था, मतलब क्या बताऊं मैं, फुल पचाई हो गई थी कल। तो मैं इस सीन को ना इंग्लिश में बताने की कोशिश करूंगा, जैसे ही लास्ट टाइम आपने देखा होगा इंग्लिश चैलेंज, तो आज मैं ऐसी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूँ। तो The scene was that my work hours is like 9:30 to 6:30, but I have to go to hospital for that plaster thing. So I got late at my work. So I started my work at 11 and keep doing my work till 5:30 or 6, and then suddenly I had connectivity issue, my Wi-Fi got some issue and I called the Wi-Fi wale bhaiya and he wasn't picking my phone, and firstly his number was switched off and then later it got switched on and he didn't pick my call, and later I text him on WhatsApp, then he resolved the issue at like 11 p.m. at night, and then I resumed my work and I completed my work till 12. So samajh mein aaya, scene ye tha ki mera office ka time hota 9:30 to 6:30 और मेरे को हॉस्पिटल जाना था कि प्लास्टर कटवाने, तो मैं प्लास्टर कटवा के आया, मैं 11 बजे तक आया और 11 बजे मैंने काम करना शुरू किया, 11 से 6 बजे तक मैंने काम किया, सही किया। तो उसके बाद थोड़ा सा काम रह गया था लास्ट में, तो ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक खत्म हो जाता, बट सडनली वाईफाई इशू हो गया, वाईफाई चला गया और भैया को कॉल कर रहा था, मैं कॉल भी नहीं लग रहा था, उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो उसके बाद मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, फिर उन्होंने इशू रिजोल्व किया, बट वो इशू बहुत लेट रिजोल्व हुआ, 11 बजे जाके इशू रिजोल्व हुआ, जब तक भाई 11 बजे तक, फिर जब जाके मैंने काम स्टार्ट किया, फिर 12:30 बजे तक काम खत्म, 12 बजे तक, फिर 12 बजे जाके मैं। सो दिस वॉज द इशू आई हैड लेट नाइट यस्टरडे। ओके गाइस फिर मिलते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने भाई, 10 दिन हो गए पूरे, 10 दिन में बस एक बार नहाया क्योंकि प्लास्टर लग रखा था, तो आज नहाना जरूरी है, सर्दियों में तो चलता है। Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss.